हाय एवरीवन, आई एम डॉक्टर संजय अग्रवाल। आज हम कर रहे हैं द लास्ट पार्ट ऑफ निमसेट 2023 एक्चुअल मैथमेटिक्स प्रॉब्लम्स। ऑलरेडी 45 प्रॉब्लम्स हम आपके साथ कर चुके हैं। आप जानते हैं 50 प्रॉब्लम्स आती हैं निमसेट में मैथमेटिक्स की। हर क्वेश्चन के मार्क्स होते हैं 12, सो दैट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सेक्शन जिसमें आपकी एक्सपर्टीज होनी चाहिए। और जैसे कि हमने 9 पार्ट्स में करा, आई हैव यूज्ड लॉट ऑफ कॉमन सेंस, आई हैव यूज्ड लॉट ऑफ शॉर्टकट्स एंड the approach in which we use the choices also to be able to answer our questions. वही हम इस वाले पार्ट में भी करेंगे। और इस अप्रोच का बेनिफिट ये है, you save lot of time and time is crucial in examinations, you know, time is limited. निमसेट में 120 क्वेश्चंस आपको करने होते हैं 120 मिनट में, तो ऑन एन एवरेज एक क्वेश्चन के लिए आपको 1 मिनट मिलता है। उस 1 मिनट में क्वेश्चन पढ़ना है, समझना है, सॉल्व करना है, आंसर करना है। 4 प्रोसेसेस टू बी अकम्प्लिश्ड इन 1 minute. So you should be fast enough. Your method should be better than the method of others because winning a competition is like winning a war. तो strategy तो आपको बनानी होगी, okay? चलिए शुरुआत करते हैं आज का लेक्चर। सबसे पहला क्वेश्चन है मॉडुलस का। आपको बताना है x की कौन सी वैल्यूज चॉइसेस में से इस एक्सप्रेशन को सेटिस्फाई करती है। तो एक तो ट्रेडिशनल मेथड है कि हम x के डिफरेंट वैल्यूज लेते हैं, x 0 से x लेस देन इक्वल टू 0 का इंटरवल कंसीडर करते हैं। मतलब मॉड में जितनी पॉसिबिलिटीज हैं वो सारी की सारी हम कंसीडर करते हैं, मॉड्स को एक्सपैंड करते हैं, सॉल्व करते हैं और देखने की कोशिश करते हैं कौन x किस इंटरवल में लाई कर रहा है। बट हम करेंगे दूसरी अप्रोच। यदि आपको ट्रेडिशनल मेथड चाहिए, वही क्लासिकल वाला, तो सैनमैक्स की वेबसाइट पे पूरा सॉल्यूशन डला हुआ है उसी मेथड से जो मैथमेटिकल मेथड होता है प्रॉपर। बट मेरे लेक्चर्स का पर्पस है आपको शॉर्टकट्स देना, आपकी कॉमन सेंस को जनरेट करना और जो आपकी इंस्टेंट है उसे शार्पन करना, ओके? तो उसी तरीके से मैं देखूंगा। हमने देखा हर एक में 2 आ रहा है, ठीक है? ये ओपन इंटरवल है, ये क्लोज इंटरवल है, ये क्लोज इंटरवल है। इसका मतलब 2 इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। तो हम सबसे पहले x इज इक्वल टू 2 को पुट करके चेक करने की कोशिश करते हैं। x इज इक्वल टू 2 पे आई एम चेकिंग इट कि ये मेरा एक्सप्रेशन सेटिस्फाई होता है या नहीं होता है। तो आपने लेफ्ट हैंड साइड देखी, ठीक है? क्योंकि कॉम्पिटिशन्स में बेसिकली यू वांट द आंसर, ओके? यू वांट द करेक्ट आंसर स्पेंडिंग लीस्ट पॉसिबल टाइम। तो लेफ्ट हैंड साइड आपके क्या आ जाएगी? दैट विल बी 4 - 8, दैट इज 4। राइट हैंड साइड देख लेते हैं। राइट हैंड साइड क्या आ जाएगी आपकी? राइट हैंड साइड इज, लेफ्ट हैंड साइड इज दिस एंड द राइट हैंड साइड इज आपकी एक्स स्क्वायर, दैट इज 4 - 8 - 4 - 10 + 6। तो ये तो आपका 0 हो गया, ओके? और ये आपका 4 हो गया। सो लेफ्ट हैंड साइड भी 4 है, राइट हैंड साइड भी 4 है। सो x इज इक्वल टू 2 इज एन आंसर। तो x इज इक्वल टू 2 तो मेरी इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है। बट यहां पे कह रहा है x बिलोंग कर रहा है ओपन इंटरवल 2, 5 को। इसका मतलब 2 को वो एक्सक्लूड कर रहा है। बट आई नो 2 इज वन ऑफ द सॉल्यूशंस ऑफ x, वन ऑफ द वैल्यूज ऑफ x। c में r में से 2 हटा रहा है वो, सो दैट कैन नॉट बी माई आंसर, ओके? क्योंकि मैंने ये चेक करा, हमने ये चेक करा कि 2 इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है। सो इन एनी केस 2 मस्ट बी ए सॉल्यूशन। बट ना ए चॉइस में 2 को सॉल्यूशन लिया गया, ना सी चॉइस में 2 को सॉल्यूशन लिया गया। अब बच जाता है बी और डी। 99% चांसेस हैं इट हैज टू बी बी बिकॉज नन ऑफ दीज इज अ वेरी वेग चॉइस, ओके? तो आप चाहें तो इसी स्टेज पे आप टिक मार सकते हैं कि ये सही है। बट आप में से वो लोग जो डबली श्योर होना चाहते हैं वो कुछ और वैल्यूज को निकाल के देख सकते हैं। एक्स इज इक्वल टू 3 ट्राई कर सकते हैं, एक्स इज इक्वल टू 4 ट्राई कर सकते हैं, x इज इक्वल टू 6 ट्राई कर सकते हैं इफ दे सो विश, ओके? बट जैसे मैंने पहले कहा, कंपटीशन में आपकी इंस्टिंक्ट प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। तो 99% चांसेस हैं, 1% का गेम तो आप खेलते ही हैं हर जगह बिकॉज टाइम इज क्रूशियल। अभी हम इसे ट्रेडिशनल मेथड से भी करके दिखा देंगे। वैसे मैंने बोला है कि वो मेथड ऑलरेडी मेरी वेबसाइट पे अवेलेबल है आप लोगों के लिए, बट वो यहाँ पे भी करके देख देते हैं। चलिए x इज इक्वल टू 3 पर ट्राई करके देखते हैं। वट इज योर लेफ्ट हैंड साइड? x इज इक्वल टू 3 पे लेफ्ट हैंड साइड आ गई 3 - 6, दैट इज 3। एंड व्हाट इज योर राइट हैंड साइड? डू इट फास्ट, ओके? व्हाट इज योर राइट हैंड साइड? योर राइट हैंड साइड इज 9 - 12 - 9 - 15 + 6, विच इज नथिंग बट 3। तो राइट हैंड साइड एंड लेफ्ट हैंड साइड दोनों सेम है। तो x इज इक्वल टू 3 इज ऑल्सो ए सोल्यूशन। और देखिए क्लोज इंटरवल दिया है 2 और 3। उसमें स्टूडेंट ये भी सोचता है कि 2 और 3 क्लोज इंटरवल का मतलब है 2 से 3 के बीच की सारी वैल्यूज। या यू कैन इजीली वेरीफाई इट, यू नो, बट आपको कैलकुलेशंस भी बचानी है अपने आप को, देखना है कि कितना टाइम आपको लगता है। तो वी आर टेकिंग जस्ट द डिस्क्रीट पॉइंट्स। 4 पे आप चेक कर लीजिए। आई विल जस्ट राइट इन 4 एज सेट अर्लियर। एग्जामिनेशन में इतनी जरूरत नहीं है आपको। 4 - 6, दैट इज 2। ये आपकी लेफ्ट हैंड साइड आ गई। नाउ लुक एट योर राइट हैंड साइड। व्हाट इज योर राइट हैंड साइड? 16 - 16, 4 × 16 - 16 4 चक 16 -20. ओके, यू जस्ट डू इट योरसेल्फ. आपने 104 पुट करा, 4 -6 लेफ्ट हैंड साइड आपकी 2 हो गई, 16 -16 ये वाला आपका 0 हो गया, माइनस 4 चक 16 -20 प्लस 6 कितना आ गया आप खुद देख लीजिए. यू योरसेल्फ चेक व्हाट यू आर गोइंग टू गेट हियर. तो वहाँ पे आपका 4 -6 2 आ गया और यहाँ पर राइट हैंड साइड पे आ गया 16 -16 विच इज 0, माइनस 16 -20 प्लस 6, 16 × 6 22 -20 सो दैट इज -2. ये -2 है, ये 2 है. नो, दिस इज नॉट द आंसर. तो 4 बीच में है, दैट कैन नॉट बी योर आंसर. जस्टिफाई हो गया ना. अब चाहें तो आप 6 पे ट्राई कर सकते हैं, बट एज सजेस्टेड अर्लियर इट इज नॉट एट ऑल नीडेड. तो 6 पे आप चेक करेंगे तो आप देखेंगे लेफ्ट एंड राइट हैंड साइड आपके सेम हो जाएगी. तो इट हैज टेकन जस्ट 5 to 10 सेकेंड्स. हमने खाली 2 को पुट करके देखा और 2 से 2 चॉइसेस हमारी एलिमिनेट हो गई. नन ऑफ दिस इज टू वेक टू गो फॉर, सो आई विल ऑब्वियसली टेक बी. बट सपोज आई वांट टू बी डबली श्योर, तो मैं कुछ और पॉइंट्स को पुट करके देख लूंगा. बट व्हाट इज द रेगुलर मेथड व्हिच यू यूज इन योर कॉलेजेस और व्हिच यू यूज व्हेन यू डू इट बाय क्लासिकल मैथमेटिक्स, लाइक डूइंग ऑल द एक्सपेंशंस, वो भी हम यहाँ पे आपको दिखा सकते हैं. बट ये ऑलरेडी वेबसाइट पे भी है. तो सबसे पहले आप यहाँ देखिए, ये मेरी लेफ्ट हैंड साइड थी, दैट इज गिवन टू बी दिस राइट हैंड साइड. इसे हमने फैक्टराइज कर लिया. ये तो बहुत ही ईजी है. x यहाँ पे आपने रखा तो ये हो गया x, x कॉमन आ गया, x -4. ओके, ये पहला वाला क्यों हमने फैक्टराइज करा, क्योंकि इनको डिसाइड करने के लिए हमें देखना पड़ेगा कहाँ कहाँ पे कोई पर्टिकुलर पोर्शन 0 हो रहा है. ओके, इसके लिए बहुत ही ईजी है. आप सबको पता है, बचपन में आप करा करते थे. ये हो जाएगा 5 हो जाएगा 2 + 3 और 6 हो जाएगा 2 × 3. तो स्कूल डेज में, इनिशियल स्कूल डेज में हमें रूट्स निकालना सिखाया जाता था. तो इसीलिए एक रूट है 2, एक रूट है 3. इस सेकंड वाली इक्वेशन का यदि मैं इसे इंडिपेंडेंटली इक्वेशन रख देता तो इट मीन मेरे लिए क्या क्या पॉइंट क्रूशियल है. x लेस देन इक्वल टू 0 मेरे लिए क्रूशियल है, क्योंकि ये अवेलेबल है तो 0 से 2 मेरे लिए क्रूशियल है. ये भी फैक्टर है तो 2 से 3 भी मुझे कंसिडर करना पड़ेगा. ये भी मेरे पास है तो मुझे 3 से 4 भी लेना पड़ेगा. ओके, सबको समझ आ रहा है ना. और ये वाला भी अवेलेबल है फैक्टर, तो मुझे 4 से 6 भी लेना पड़ेगा, क्योंकि आपको पता है ये मॉडुलस के अंदर नेगेटिव है तो बाहर माइनस लगाना पड़ता है, और मॉडुलस के अंदर पॉजिटिव है तो उसे एज इट इज बाहर कॉपी करते हैं. ओके, और फिर x ग्रेटर देन इक्वल टू 6 भी लेना पड़ेगा. तो इस तरीके से हमें x की वैल्यूज को डिसाइड करना पड़ेगा कि किस किस रेंज में, किस किस इंटरवल में हमें कंसीडर करनी है चीजें. अब जब x लेस देन इक्वल टू 0 आप ये इजिली, हमने फैक्टराइज खाली करा था इन वैल्यूज को निकालने के लिए कि क्या क्या वैल्यूज हमारी आएंगी. अब आप बड़े आराम से चेक कर सकते हैं. जब x लेस देन इक्वल टू 0 है, ये भी नेगेटिव, ये भी नेगेटिव, अंदर वाला पूरा नेगेटिव. नेगेटिव को पॉजिटिव बनाने के लिए बाहर माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया. आई थिंक यू नो अबाउट दिस. यू नो, नेगेटिव का स्क्वायर, एक्स नेगेटिव है, नेगेटिव का स्क्वायर पॉजिटिव, नेगेटिव इंटू नेगेटिव पॉजिटिव, तो ये पॉजिटिव है, ये एज इट इज आ गया. इसी तरह ये नेगेटिव का स्क्वायर पॉजिटिव, नेगेटिव इंटू नेगेटिव पॉजिटिव पॉजिटिव, तो ये एज इट इज ऐसे आ गया. आई होप मेरे को उस पर टाइम नहीं लगाना चाहिए. आप जानते हैं किस तरीके से इन फंक्शंस को एक्सपैंड करा जाता है. इसके बाद हमने इन्हें नीचे सॉल्व कर लिया. अब देखिए, वैल्यूज को सिंप्लीफाई करा हमने. x² से -x² कैंसिल हो गया, -4x + 5x x आ गया और -6 आ गया, तो x -6 आ गया, दैट इज x = 6. कहीं कोई कंफ्यूजन किसी को, एनीबॉडी हैविंग एनी डाउट, जस्ट आस्क मी. तो इस तरीके से आप चेक करके देख सकते हैं कि वैल्यूज क्या क्या आ रही हैं. क्लियर हो गया ना. तो आपने इसे x के लिए सॉल्व कर लिया. अब आगे बढ़ते हैं. जब हमने और इसे सिंप्लीफाई करा प्रॉपर तरीके से, अब देख लीजिए क्या करा है. व्हाट आई हैव डन, ये जो इक्वेशंस आ गई हैं, हमने इनके रूट्स वगैरह निकाल लिए. बट ऑब्वियसली ये आइडेंटिटी है, मतलब ये x की हर वैल्यू के लिए सेटिस्फाई हो रही है. ये आइडेंटिटी है, ये x की हर वैल्यू के लिए सेटिस्फाई हो रही है नीचे वाली. अब हमने ये वैल्यूज निकाल ली. ये हमारा फाइनल सॉल्यूशन सेट आया, ये हमारा फाइनल सिंप्लीफिकेशन आया. बट ऑब्वियसली इतना कम टाइम नहीं लगेगा इसे करने में, और गलती होने के चांसेस भी बहुत ज़्यादा होंगे, क्योंकि इतने सारे एक्सप्रेशंस को एग्जामिनेशन के स्ट्रेस में आपको सॉल्व करना है और सिंप्लीफाई करना है. एंड जब आप थोड़े बहुत केयरफुल होते हैं टाइम के बारे में, जब आपको लगता है टाइम भागे जा रहा है, तब ऑब्वियसली आपको उस स्ट्रेस में रिएक्ट करना पड़ता है, और उसमें कभी कभी आपकी कैलकुलेशंस गलत हो जाती हैं. ओके, अब यहाँ फाइनली आ गए. ये हमने सॉल्यूशन नेट निकाल लिया. सपोज अब सब कुछ कर लेते हैं सही सलामत, और अब यहाँ तक पहुँच जाते हैं. एक्स लेस देन इक्वल टू 0 में एक्स इज इक्वल टू 6 कह रहा है, पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि यहाँ पे रेंज है कि एक्स 0 से छोटा होना चाहिए, बट एक्स 6 आ रहा है. बट 6 तो इस इंटरवल में लाई नहीं करता, 0 से 2 में लाई कर रहा है, 2 और 3 कह रहा है ये. तो इसका मतलब खाली =2 पे वैलिड होगा. ओके, =2 पे वैल्यू में एक्सेप्ट कर सकता हूं और इंटरवल में एक्सेप्ट नहीं कर सकता. ये पूरा एक्सेप्टेबल है क्योंकि ये आइडेंटिटी है. बट ये =2 ऑलरेडी यहाँ पे इंक्लूडेड है, तो मैं इसे छोड़ भी सकता हूँ बीच वाले पोर्शन को. आर यू गेटिंग व्हाट आई एम सजेस्टिंग. ओके, अब यहां पे भी x 2 एंड 3 है बट ये 3 से 4 के बीच में है, तो खाली मैं इस वैल्यू को एक्सेप्ट कर सकता हूं क्योंकि 2 तो इसमें इंटरवल लाई नहीं करता, तो 2 तो आएगा ही नहीं आएगा इसमें, 3 लाई नहीं करता 3 तो आएगा ही नहीं इस वाले इंटरवल में। ओके, आर यू गेटिंग व्हाट आई एम सजेस्टिंग यू नो। और 4 to 6 में ये 4 to 6 जाना है, खाली मैं 6 वैल्यू को एक्सेप्ट कर सकता हूं और ये हमेशा एक्सेप्ट कर सकता हूं। तो ये वाला 2 इस 2 में इंक्लूडेड है जो मैंने टिक करा, और ये वाला 6 इस 6 में इंक्लूडेड है जो मैंने कवर करा। तो इट मींस अल्टीमेटली मेरा आंसर क्या आ जाएगा, क्लोज इंटरवल 2 3 यूनियन 6 इन्फिनिटी, दैट हैज टू बी माय आंसर। और यही आंसर मैंने पहले भी आपको दिखा दिया था अपने मेथड से, दैट वाज द आंसर व्हिच आई एक्सेप्टेड। आप सबको समझ आ गया कि कितना टाइम टेकन में डिफरेंस आ जाएगा, एंड टाइम इज वेरी वेरी क्रूशियल, यू ऑल नो अबाउट इट, एंड मोर ओवर आपकी लाइफ है, आप जानते हैं, हम लोग तो आपको टीच कर देते हैं बट अल्टीमेटली आप लोगों को परफॉर्म करना होता है एग्जामिनेशन में, और उसका जो आउटपुट आता है वो आपकी लाइफ को अफेक्ट करता है। तो यू हैव टू बी वेरी वेरी स्मार्ट एंड यू हैव टू बी वेरी वेरी लाइक यू शुड यूज दोज मैथड्स विच आर आउट ऑफ द बॉक्स। लाइक जरूरी नहीं कि हर समय वही मैथड्स यूज करे जाएं जो बुक्स में दिए गए हैं, आपका आप में कुछ तो डिफरेंट होना चाहिए औरों से। ओके, जिससे कि एग्जामिनर भी आपको औरों से डिफरेंट मान के सेलेक्ट कर सके, और आगे जब आप जॉब में जाते हैं तो कंपनीज भी आपको अच्छी प्लेसमेंट दे सकें औरों से डिफरेंट मान के। प्लेसमेंट तो 2 लाख रुपए की भी होती है, 25 लाख रुपए की भी होती है, 50 लाख रुपए की भी होती है, 1 करोड़ की भी होती है। एक ही इंस्टीट्यूशन ने जिन्होंने स्टूडेंट्स ने सेम क्वालिफिकेशन करी होती है, आपको क्या लगता है उन सबकी प्लेसमेंट सेम लेवल की होती है? नहीं, उनमें से कईयों को तो जॉब ही नहीं लगती, कईयों को बहुत अच्छी जॉब मिलती है, कुछ को मीडियोकर और कुछ को बहुत एवरेज जॉब मिलती है। तो वो डिफरेंस आता है आपसे। तो यू हैव टू बी दैट टाइप ऑफ ए पर्सन जिसे कंपनीज लेना पसंद करें। ओके तो खाली एंट्रेंस क्लियर करना शुड नॉट बी योर ऑब्जेक्टिव, आपकी ओवरऑल पर्सनैलिटी डेवलपमेंट शुड बी योर ऑब्जेक्टिव। ओके आपकी अप्रोच शुड बी डिफरेंट फ्रॉम अदर्स एंड दैट शुड बी फास्ट। डिफरेंट फ्रॉम अदर्स का मतलब ये नहीं कुछ भी कर लो, इट शुड बी बेटर देन अदर्स सो दैट द पीपल कैन अप्रिशिएट यू। ओके और इसलिए जनरली मैं कहता हूँ कि हम सब लोग सोशल बींग्स हैं, हमें भीड़ का हिस्सा बन के रहना होता है, वी आर पार्ट ऑफ द मासेस। बट बहुत फर्क होता है कि एक जगह भीड़ लगी हुई है, मैं उसे ज्वाइन कर लूँ या जहाँ मैं खड़ा हो जाऊँ वहाँ भीड़ लग जाए। सो ट्राई टू बी सेकेंड टाइप ऑफ ए पर्सन एंड फॉर दैट यू शुड बी डिफरेंट फ्रॉम अदर्स, योर अप्रोचेस शुड बी डिफरेंट फ्रॉम अदर्स, योर विजन फॉर द लाइफ शुड बी डिफरेंट फ्रॉम अदर्स। ओके सो लेट्स गेट बैक टू अवर टास्क टुडे। दिस इज द नेक्स्ट क्वेश्चन। इन ए ट्राइंगल एबीसी, ABC are lengths of the opposite sides of a triangle. So that problem is nothing but from properties of triangles. You know about this, okay? Properties of triangles की problem है, आपको बहुत सारी चीजें पता है। Capitals में हम denote करते हैं angles को और opposite sides को हम represent करते हैं small symbols से। Small ABC और capital ABC उनके opposite angles होते हैं। You all know about this. और आप सबको भी पता होगा कि sides sine of angles के proportional होती हैं। मैं पहले लिख देता हूँ A upon sine A is B upon sine B is C upon sine C. We have so many results from properties of triangles. Trigonometry का topic है. You all should be conversant with this because 12th में भी आप लोगों ने ये चीजें करी हैं और हम इसको K भी मान लेते हैं कई बार, okay? Constant because it's a proportion. अब देखते हैं problem में वो क्या कह रहा है। आपको perimeter of the triangle is 6 times perimeter of the triangle ABC. So यहाँ C miss हो गया है. So perimeter of the triangle ABC. ट्राइंगल खाली ए बी तो हो नहीं सकता ना। पेरीमीटर ऑफ ए ट्राइंगल एबीसी 6 times द अर्थमेटिक मीन ऑफ द साइन वैल्यूज ऑफ इट्स एंगल्स। अब पेरीमीटर क्या होता है ट्राइंगल में? सम ऑफ द साइड्स। तो ए प्लस बी प्लस सी आ गया। 6 times द अर्थमेटिक मीन साइन ए प्लस साइन बी प्लस साइन सी अपॉन 3। ठीक है ना, ये आपका पेरीमीटर आ गया। ऑब्वियसली इस 3 से 6 को कैंसिल करेंगे तो आपको यहाँ 2 मिल जाएगा। अब हम दोनों साइड से कुछ मीनिंगफुल निकालना चाहते हैं तो हम कोशिश करेंगे कि हम इन एबीसी को भी साइन के टर्म में एक्सप्रेस कर पाए। ठीक है, आई होप यू ऑल नो द मेथड्स। तो यहां से हमें दिखाई दे रहा है, यहां से हमें दिखाई दे रहा है ए इज इक्वल टू के साइन है। कोई एग्जाम में हमें लगातार लिखने की जरूरत नहीं, हमें आइडिया मिल गया। यहाँ से हमारे पास आ गया के कॉमन आ गया अंदर, अब आ गया साइन ए प्लस साइन बी प्लस साइन सी इज इक्वल टू 2 sin A प्लस साइन बी प्लस साइन सी। इट्स सो ऑब्वियस, ओके। और जैसे मैं बार बार ही कहता हूँ कोई लिखने की जरूरत नहीं, यहाँ तो मैं आपको सिखा रहा हूँ इसलिए मैं आपको लिख रहा हूँ। के इज इक्वल टू 2, वेरी ऑब्वियस बिकॉज साइन ए प्लस साइन बी प्लस साइन सी कैन नॉट बी 0। इट कैन नॉट बी 0। क्योंकि यदि ये जीरो हो गया तो ये जीरो हो जाएगा, तो सम ऑफ द साइड जीरो हो गई तो ट्राइंगल तो रहेगा नहीं। ओके, दैट्स सो ऑब्वियस। तो k इज इक्वल टू 2 आ गया, k इज इक्वल टू 2 को उठा के उधर राइट हैंड साइड पे आप पुट कर दीजिए। आपने यहाँ पे k को 2 पुट करा तो आपका साइन a आ गया a बाई 2। बट नाउ आई वांट टू सी इफ आई एम गिवन द वैल्यू ऑफ a। यस, आई एम गिवन द वैल्यू ऑफ a, so sin a comes out to be 1 by 2, and if sin a comes out to be 1 by 2, we all know a is what? 30 degree, pi by 6 would be the answer. So a is pi by 6. A very good example, but not a difficult one. Is method se bhi you can just take, I'll say 20 seconds or 30 seconds to be able to do this. क्योंकि आप तो डायरेक्टली करते चले जाएंगे ना, आप ये एक्सप्रेशंस लिखेंगे थोड़ी ना, इसीलिए तो प्रैक्टिस करनी होती है आपको एग्जामिनेशन से पहले, कि ये एक्सप्रेशंस आपके दिमाग में चलते रहें अपने आप, और ये चीज़ें दिमाग में चलती रहें और उसी के बेसिस पे आप उसे आंसर करते रहें। लाइक इन एग्जामिनेशन यू नीड नॉट सॉल्व ईच एंड एवरीथिंग, एंड मोर ओवर आजकल तो कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशंस हैं, तो आप पे रफ का भी इतना स्कोप नहीं होता रफ वर्क करने के लिए। पहले तो प्रिंटेड आंसर बुकलेट मिलती थी तो उसी के ब्लैंक पेजेस पे हम लोग रफ कर लिया करते थे। लाइक आई एम टॉकिंग ऑफ द टाइम व्हेन आई अपीयर्ड इन एंट्रेंसेज, ओके, बट अब तो इट इज़ ऑल CBT, देन दिस इज स्टैंडर्ड वन। बट ये सब आपको याद होना चाहिए, जो लॉग फंक्शंस इस तरीके के होते हैं वो हमेशा ऑड फंक्शंस होते हैं, ऐसे तो याद ही रखिएगा। ओके, लॉग फंक्शंस आर ऑफ दिस टाइप, यहाँ ऑड है या इवन है, दिस इज एन ऑड फंक्शन, एंड ऑड फंक्शन इज ऑलवेज सिमेट्रिकल अबाउट द ओरिजिन। ओके, और इवन फंक्शन किस पे सिमेट्रिकल होता है? ऑड फंक्शंस आर सिमेट्रिकल अबाउट ओरिजिन, एंड इवन फंक्शंस आर सिमेट्रिकल अबाउट वाई एक्सिस। यदि कोई इवन फंक्शन होता तो, हमारे केस में वो नहीं है, और मेरे ख्याल से आप सब जानते हैं ऑड फंक्शन की डेफिनेशन होती है एफ ऑफ माइनस एक्स इज माइनस एफ एक्स। ठीक है, आप इसे चेक करके देख लीजिए। और खाली वही नहीं, ये वाला फंक्शन ही नहीं, यदि मेरे पास लॉग ऑफ एक्स प्लस रूट ऑफ 1 plus x की हो, वो भी ऑड फंक्शन है। मैं आपको ऑलरेडी बता रहा हूँ, ये पावर ऑड, ये पावर इवन, और यहाँ पे वन है, ये स्ट्रक्चर इज ऑलवेज एन ऑड फंक्शन। इफ़ यू वांट यू कैन वेरीफाई दिस हेयर इटसेल्फ। तो हमने सबसे पहले f को -x रख लिया। तो बेस को मैं नहीं लिख रहा हूँ, क्योंकि जब हम रफ वर्क करते हैं तो हमें बेस लिखने की जरूरत नहीं है, और यहाँ पे बेस कोई सिग्निफिकेंट रोल प्ले नहीं कर रहा है। सो आई जस्ट ओमिट राइटिंग बेस अगेन एंड अगेन। ओके, तो ये आपका आ गया -x³ और ये आ गया 1 plus x6। ठीक है, अब ये माइनस अंदर से हमें बाहर निकालना है, तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते थे, टू बी लाइक मोर रैशनल हमने इसे ऐसे लिख लिया यहाँ पे। एंड वाई डोंट यू रैशनलाइज इट, यू नो हाउ टू डू दिस, रैशनलाइजेशन कर लेते हैं हम इसे हर जगह। 1 plus x6 plus x³ से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दिया, और आपको पता वो ये रैशनलाइजेशन खाली स्क्वेयर रूट्स में होता है, क्यूब रूट्स का दूसरा रेशनलाइजेशन होता है। कई बारी स्टूडेंट्स मिस्टेक करते हैं इस तरीके की, बट नो, ये रेशनलाइजेशन खाली स्क्वायर रूट के लिए होता है। अब आप इसे सिंप्लीफाई कर लीजिए ना, इट बिकम सो इजी, यू नो। अब खुद देखिए, यहाँ से 1 plus x6 -x6 कैंसिल हो गया, दैट इज लॉग ऑफ 1/√of 1 plus x6 plus x³, और ये हो गया आपका लॉग ऑफ, मैं उसी फॉर्मेट में लिख देता हूँ, x³ प्लस यहाँ पे स्क्वायर रूट पूरे में आ गया, यू नो इट इज नॉट पूरे में। सो ये मिस्टेक्स आप एग्जाम में भी करते हैं कैलकुलेशंस की, बट फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि जैसे मैंने पहले कहा कैलकुलेशन ब्रेन में चलनी चाहिए, हाथ से कुछ भी मैं लिख पा रहा हूँ, उससे दिक्कत नहीं है, क्योंकि इट्स ऑल द रोल ऑफ योर ब्रेन। ओके, सो 1 plus x6 में पावर ले गया ऊपर -1, और ये -1 आप सब जानते हैं, ये -1 आ जाएगा बाहर, माइनस ऑफ लॉग x³ प्लस √of 1 plus x6, which is nothing but minus of fx. तो ये जो -x था, मतलब f of -x has come out to be -fx. वो डेफिनेशन सेटिस्फाई होगा, इट इज ऑड फंक्शन एंड ऑड फंक्शन इज ऑलवेज सिमेट्रिकल अबाउट ओरिजिन। बट एज सेड अर्लियर ऑल्सो, ये एक्सप्रेशंस आपको याद रहने चाहिए, ये हमेशा ऑड होता है लॉग इस तरीके का फंक्शन। ठीक हो गया ना, देन कम्स योर नेक्स्ट क्वेश्चन। इट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन, वेरी इजी, गुड बिकॉज इट्स अ वीक क्वेश्चन इन द सेंस यू कैन आंसर इट जस्ट इन 1 second. दैट्स व्हाई आई एम सेइंग इट्स अ गुड क्वेश्चन। एनी क्वेश्चन विच इज सेविंग माई टाइम इज अ गुड क्वेश्चन इफ आई एम a student appearing in the entrance examination, and any question which takes a lot of time is not a good question for me. Okay, और मुझे उसे avoid करना चाहिए शुरू में करना। Student क्या होता है, एक sequence में questions करता है, no, it is not the right way of appearing in a competition. हर question के marks same है, then why are you spending time on a question which is tough? rather than spending your time on a question which is easier. तो पहले easy questions करते हैं. जब मैं अपनी टेस्ट टेकिंग स्ट्रेटेजीज बताता हूं तो मैं उसमें आपको बताऊंगा कि किस तरीके से आपको क्वेश्चंस को शुरू में छाटना है. इट वॉन्ट टेक मोर देन 1 मिनट 2 मिनट्स ओके, बट दैट 2 मिनट्स इज डिसाइसिव इन योर सिलेक्शन ओके, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है. ये नहीं कि ब्लाइंडली हम एक सीक्वेंस में क्वेश्चंस को करते चले जा रहे हैं, दैट्स नॉट गोइंग टू टेक अस एनीवेयर. यहाँ पे देखते हैं ए और बी दो सेट्स हैं. जैसे ही हमने ये देखा इसका मतलब ए एंड एक्स आर डिसजॉइंट, ए एंड एक्स आर डिसजॉइंट. दिस इज द बेसिक सेट थ्योरी विच You all know. Disjoint means they are not having anything in common, okay? और दूसरा वाला कहता है B and X are disjoint. A and X भी disjoint है, means they are not having anything in common. B and X भी disjoint है, they are not having anything in common. तो ये तो श्योर है कि X में A का भी कुछ पोर्शन नहीं है, X में B का भी कुछ पोर्शन नहीं है. अब A और B कैसे रिलेटेड है वो देखना पड़ेगा. बट हम ये देख रहे हैं कि जैसे ही हमने X में A यूनाइट करा या X में B यूनाइट करा तो सेम हो गए. एक्स का ए से कुछ कॉमन नहीं था, एक्स का बी से कुछ कॉमन नहीं था, ए और बी का रिलेटिव रिलेशन हमें पता नहीं था. बट जैसे ही एक्स के साथ हमने ऐड करे ए के एलिमेंट्स या एक्स के साथ ऐड करे बी के एलिमेंट, दोनों सेट सेम हो गए. और जैसे ही दोनों सेट सेम हुए तो बहुत ऑब्वियस है कि ए हमारा बी के बराबर होना चाहिए. इट मीन्स ए शुड बी बी, सो दैट हैज टू बी माय आंसर ओके. बट एडिशनली भी हम करते हैं, हम लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं, ए को हम लिखते हैं ए इंटरसेक्शन ए यूनियन बी, वी प्रोसीड लाइक दिस ओके. तो ये क्लासिकल मेथड यदि आपको चाहिए तो आप सैनमैक्स की वेबसाइट पे जो इसका सॉल्यूशन पड़ा हुआ है, सॉल्यूशन डला हुआ है, वहां से आप देख सकते हैं इसे बड़े आराम से. बल्कि ए यूनियन बी के यूनिवर्सल सेट की हेल्प लेते हैं हम बेसिकली. ए यूनियन एक्स, एक्स की यहाँ पे यूनिवर्सल नहीं है, यहाँ पे तो एक्स ही है, ए यूनियन एक्स की हम हेल्प लेंगे. क्लियर हो गया? तो इस तरीके से आप इसे एक्सपैंड करेंगे क्योंकि एक्स ही दिया हुआ है ना. बट ये मेथड इज ऑलरेडी देयर ऑन माई वेबसाइट, सो आई एम नॉट गोइंग टू डू इट हियर क्योंकि उसको सीखने की जरूरत भी नहीं है. दैट इज द बेसिक सेट थ्योरी, एवरीबडी नोज अबाउट दिस ओके. यू हैव डन लॉट ऑफ सेट थ्योरी इन योर स्कूल डेज आल्सो. दैट्स अ गुड क्वेश्चन अगेन बिकॉज आई वुड बी एबल टू सॉल्व दिस इन 10 to 20 seconds. बट मैथमेटिकली ऑल्सो इट्स अ गुड क्वेश्चन. द लोकस ऑफ द मिडल पॉइंट ऑफ ऑल कॉर्ड्स ऑफ द पैराबोला. एक तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में ना जो स्टैंडर्ड फॉर्मूलाज हम याद रखते हैं वो एक पैटर्न में याद रखे जाते हैं जो हर कर्व के लिए, चाहे वो सर्कल हो, चाहे पैराबोला हो, चाहे एलिप्स हो, सबके लिए सेम होता है. जैसे 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 मेरा ये पैराबोला है, सपोज आई हैव ए पैराबोला, राइट हैंडेड पैराबोला ले रहा हूं, आई एम टेकिंग वर्टेक्स टू बी ओरिजिन. और इसकी यदि कोई भी कॉर्ड मैं ले लेता हूं, आई टेक एनी कॉर्ड, और सपोज उसका मिडल पॉइंट इसने एक्स वन वाई वन दिया हुआ है, तो इस कॉर्ड की इक्वेशन होती है टी इज इक्वल टू एस वन. याद रखना है आपको. The chord whose middle point is x1, y1 is t is equal to s1. और ये equation circle में भी valid है. Equation of a chord of a circle whose middle point is given. Parabola के लिए भी valid है, ellipse के लिए भी valid है और hyperbola के लिए भी valid है. तो इस तरीके से हम याद रखते हैं सारी चीज़ों को. जैसे कभी भी आपको tangent की equation लिखनी है किसी भी coordinate curve में, तो आप एक्स स्क्र की जगह एक्स एक्स वन लिखते हैं, वाई स्क्र की जगह वाई वाई वन लिखते हैं, एक्स की जगह हाफ ऑफ एक्स प्लस एक्स वन लिखते हैं और वाई की जगह हाफ ऑफ y प्लस वाई वन लिखते हैं. और ये स्टैंडर्ड रूल हर जगह वैलिड होता है, नॉट जस्ट इन 2 डायमेंशन बट ऑल्सो इन 3 डायमेंशन. भाई कई बार स्टूडेंट कहता है कि सर एक्स वाई की टर्म आ जाए तो क्या करेंगे, तो उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है. हाफ ऑफ x1y प्लस xy1, ठीक है ना, आप इस तरीके से इसे लिख सकते हैं. तो ये शॉर्टकट्स हैं जो टेंजेंट्स में आपने सीखे होंगे, शॉर्टकट्स आई होप. तो इस तरीके से डायरेक्टली हम टेंजेंट, इसी तरह कॉर्ड विद ए गिवन मिडल पॉइंट का फॉर्मूला होता है t इज इक्वल टू एस वन. अब t क्या है ओके, तो x1y प्लस xy1, t क्या है आपका टेंजेंट की इक्वेशन और s1 क्या है वैल्यू ऑफ द फंक्शन. तो हमने यहां इस पैराबोला से इसको पुट करना शुरू करा टेंजेंट. अब आपको t इज इक्वल टू एस1 चाहिए, t है टेंजेंट, टेंजेंट हो गया y y1 माइनस 2x प्लस x1 और वैल्यू ऑफ द फंक्शन हो गया y1 स्क्वायर माइनस 4x1. आपने t इज इक्वल टू एस वन लिख लिया. मैंने बताया ना टेंशन लिखने के लिए आपको क्या लिखना होता है, एक्स स्क्वायर की जगह एक्स एक्स वन, वाई स्क्वायर की जगह वाई वाई वन और x की जगह हाफ ऑफ x प्लस एक्स वन. ये रूल्स हैं टेंशन लिखने के लिए, शॉर्टकट्स. अब ये आगे, अब आगे देखते हैं क्या कह रहा है. हमने ये तो कॉर्ड हमने लिख दी जिसका मिडल पॉइंट हमें गिवन था x1 y1, बट वो कॉर्ड कुछ तो कर रही होगी ना. अब वो कह रही है दिस कॉर्ड इज पासिंग थ्रू इट्स वर्टेक्स और आपको लोकस ऑफ द मिडल पॉइंट चाहिए और आपने मिडल पॉइंट एज्यूम करा है x1 y1. लेट x1 y1 बी मिडल पॉइंट, लिखने की जरूरत नहीं है, बट आपको अपनी रेफरेंस के लिए चाहिए, और ये स्क्रिप्ट आपको अवेलेबल होती है सैनमैक्स की वेबसाइट पे, और इस लेक्चर के डिस्क्रिप्शन में भी इसका लिंक दिया हुआ है, तो वहाँ भी आप रिक्वेस्ट कर सकते हैं। तो जो भी मैं पढ़ा रहा हूँ लेक्चर स्क्रिप्ट वो आपको PDF में मिल जाती है, ओके। और इसके अलावा एक्चुअल सॉल्यूशन तो इस पूरे पेपर का इन द प्रॉपर मैथमेटिकल फॉर्म इज गिवन ऑन द वेबसाइट ऑफ सैनमैक्स। तो मिडिल पॉइंट है, अब हमने वर्टेक्स से पास करवाना है, बट वर्टेक्स इज व्हाट 0,0, तो आप x और y दोनों को 0 पुट कर दीजिए। 0 - 2 0 प्लस x1 इज इक्वल टू y1 स्क्वेयर माइनस 4x1, और आपने इसे सिंप्लीफाई करा, y1 स्क्वेयर माइनस 4x1 प्लस 2x1 इज इक्वल टू 0, सो y1 स्क्वेयर इज इक्वल टू 2x1, सो द लोकस इज y इज इक्वल टू 2x. Locus is y square is equal to 2x. Locus means path traced by the particle. तो locus निकालने का हमेशा तरीका क्या होता है कि आप जिसका locus निकालना है उस पॉइंट को एज्यूम कर लीजिए x1 y1, और कोई भी एक ऐसा एक्सप्रेशन ऑब्टेन कीजिए जिसमें x1 y1 हो और साथ में पैरामीटर्स जितने भी और हैं कॉन्स्टेंट्स, और फिर फाइनली x1 की जगह x लिख दीजिए, y1 की जगह y लिख दीजिए, एंड यू गेट योर आंसर y square is equal to 2x. सो y square is 2x is also a parabola. So y square is equal to 2x is another parabola. Okay, so that was this last set of NIMCET 2023 mathematics section problems, and I hope you must have learned things, okay. और इन्हें inculcate कीजिए अपने अंदर, इससे it becomes a part of your personality कि आप बिल्कुल सॉफ्टवेयर डेवलपर की तरह उसे डीबग करने की कोशिश करें चीजों को, ओके, और उसके लिए पूरा कोड पढ़ने की जरूरत नहीं होती। आपके रिफ्लेक्सेस, आपके इन्फ्लेक्सेस इतने शार्प होने चाहिए कि आप जैसे चीज को देखें आपको आइडिया लगना शुरू होना चाहिए कि वे कैन बी डीबग, ओके, देन यू आर एन एक्सपर्ट सॉफ्टवेयर डेवलपर, ओके, और डीबगर। ठीक है, चलिए मिलते हैं फिर, ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जामिनेशंस, सी यू सून।